हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको ब्लाउज में काज और बटन की पट्टी लगाना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। अगर दोस्तों हमारी वीडियो एक बार देख लेंगे ध्यान से तो आपको एक ही बार में ही समझ में आ जाएगा। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को अलाउ कर देना जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। इसी तरह सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। ये दोस्तों हमने ब्लाउज की पीस आमने सामने बिछा लिया। अब जैसे कि दोस्तों हमारा जो उल्टे हाथ पे लगेगी वो लगेगी बटन की पट्टी और सीधे हाथ पे जो लगेगी वो लगेगी काज की पट्टी। जैसे दोस्तों मैं आपको पट्टी दिखाता हूँ कितनी चौड़ी हमने कटिंग कर रखी है। ये हमारी पट्टी है, ठीक है। एक पीस है हमारा अस्तर का और एक पीस है अस्तर और कपड़े का, ठीक है। इसकी चौड़ाई हम बता देते हैं, जैसे कि इसकी हमने चौड़ाई रखी जो अस्तर और कपड़े की वो रखी हमने 3.5 इंच और सिर्फ अस्तर की रखी है हमने दोस्तों 3 इंच। ये पट्टी अगर आपकी रूबिया का ब्लाउज है तो अस्तर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कपड़े की पट्टी लगा सकते हैं। अब एक पीस हम उठाएंगे, ठीक है, इस तरीके से उठाना और दोस्तों जो हमारी अस्तर वाली पट्टी कटिंग कर रखी है 3 इंच की उसको करेंगे हम इस तरीके से डबल में फोल्ड और इस पर नाखून लगा लेंगे, ठीक है। अब ये दोस्तों नीचे की तरफ से हम लगाएंगे, जो नीचे की तरफ से हम पट्टी लगाएंगे वो लगाएंगे दोस्तों काज की पट्टी, ठीक है। इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपको सिलाई लगानी है, इसमें फिनिशिंग से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें फिनिशिंग से सिलाई लगानी है एक जैसी। अब बाकी दोस्तों जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कर देंगे कटिंग। अब पट्टी की तरफ मार्जिन रखते हुए इसमें हम लगा देंगे नाखून, इस तरीके से पट्टी की तरफ आपको मार्जिन रखना है और इस पर लगा देंगे लपकी सिलाई फिनिशिंग से। ये हमने सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, पट्टी के बराबर से ही हम इसे फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर लगाएंगे हम कच्ची सिलाई। ये दोस्तों कच्ची सिलाई हमारी तुरपाई होने के बाद खुल जाएगी। ये दोस्तों हमारी काज की पट्टी लग गई। अब आपको बटन की पट्टी लगाना सिखाएंगे। जैसे दूसरा पीस लेंगे हम, दूसरा पीस और जो हमने अस्तर के और कपड़े के पट्टी कटिंग कर रखी है इन दोनों को आपस में इस तरीके से रखेंगे और एक तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसमें हम सिलाई लगा देंगे। अगर आपका रूबिया का ब्लाउज है तो अस्तर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हमने सिलाई लगा दी और ऊपर से जो गले की तरफ से पट्टी जो रखेंगे दोस्तों वो इस तरीके से रखी जाएगी, ठीक है। और नीचे भी दोस्तों पट्टी जो कटिंग करेंगे वो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे और गले की तरफ से जो हमारी पट्टी लगेगी वो लगेगी दोस्तों बटन की, ठीक है। नीचे की तरफ से जो हमने लगाई थी वो लगाई थी काज की और ऊपर गले की तरफ से जो पट्टी लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं बटन की। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए एक जैसी फिनिशिंग से आपको सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा मार्जिन है वो उसे कटिंग कर देंगे और पट्टी की तरफ मार्जिन करते हुए हम इसमें नाखून लगा देंगे, ठीक है। इसे करेंगे उल्टा। उल्टा करने के बाद इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और इसमें हम सिलाई लगाएंगे। अगर आपको लगता है कि हमारी पट्टी चौड़ी है तो दोबारा से उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद हम इसे करेंगे डबल में फोल्ड, उसके बाद मार्जिन के ऊपर रख देंगे इस तरीके से और इस पर हम लगाएंगे लपकी सिलाई। नीचे का मार्जिन दोस्तों हमारा फिनिशिंग से रखना चाहिए, जो हमारी लपकी सिलाई लगे तो मार्जिन पे भी लगे। इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी फिनिशिंग से सिलाई लग गई। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम एक पैर की सिलाई। एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वो हम फिनिशिंग से कटिंग कर देंगे गले के बराबर से ही। ये दोस्तों हमारी बटन की पट्टी लगी, गले की तरफ से जो लगी बटन की पट्टी लगी। अब दोनों पीस हम आपको दिखाते हैं। जैसे दोस्तों नीचे से जो हम ऊपर से जो हमारी लगी थी वो लगी है बटन की पट्टी और नीचे से जो लगी है वो काज की पट्टी, ठीक है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को अलाउ कर देना जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।